अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम योर बायोलॉजी टीचर अनम सयाद। हम लोगों ने नाइन्थ की बुक के पहले फर्स्ट टू चैप्टर्स पढ़ लिए थे अपनी एट्थ क्लास में। अब जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है थर्ड चैप्टर विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली है क्या हमारे पास? तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी का वर्ड है ये हमारे पास दो वर्ड्स से मिलके बना है विच आर बायो एंड डाइवर्सिटी। अब अगर हम इनका मीनिंग देखें तो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। अब डाइवर्सिटी हम इस किसको कहते हैं? वेराइटी को। वेराइटी हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स, ठीक है, या हम उर्दू में अगर कहें तो इकसाम कह सकते हैं। मतलब जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान में जो मुख्तलिफ इकसाम प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कह देंगे? डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें बायोडाइवर्सिटी की, तो ये हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब हमारे पास इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या उनका हैबिटेट है उसको हम कह देंगे इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विच कैन बी लैंड इकोसिस्टम हो सकता है हमारे पास, मतलब ज़मीन पे जो रहते हैं, वाटर में रहने वाले, ठीक है, वाटर इकोसिस्टम वाले हो जाएंगे, या डेजर्ट जो कि बिल्कुल खुश्क इलाकों में रहते हैं, या फिर ग्रास लैंड वाले भी हो सकते हैं जो कि ग्रासी एरियाज़ में रहते हैं या उनका हैबिटेट है ग्रास लैंड्स। ओके, तो अब हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने वैरायटी को देखना है, टाइप्स को देखना है ऑर्गेनिजम्स की, कहाँ पे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कि किस हर जो टाइप का हमारे पास इकोसिस्टम है उसके अंदर किन डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट हैं या किन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो उन उसके मेजर को हम कह देंगे बायोडाइवर्सिटी। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट रीजन्स में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या उनका फैलाव कैसे हुआ है या किस रीजन में कैसे कैसे टाइप की स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं या कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स फाना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एल्टीट्यूड सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। अब जो हमारे पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं बायोलॉजी में विच आर द फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा हम यूज़ करते हैं जब हम प्लांट्स की टाइप्स की बात करेंगे तो हम कह देंगे फ्लोरा, और जब एनिमल की टाइप्स की बात करेंगे तो हम उसको कहते हैं फाना, ठीक है। तो जब बायोलॉजी या जूलॉजिकल टर्म में हम बात करेंगे तो हम फ्लोरा एंड फाना यूज़ करते हैं एक्सेप्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या कह रहे हैं वो कि जो डाइवर्सिटी है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की एक रीजन में किसी भी इलाके में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास, या तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास क्या है कि उसकी वेदर कंडीशंस कैसी हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सर्दी है, या टेम्परेट है, मतलब मॉडरेट जो है वहाँ का वेदर कंडीशंस हैं, या फिर उसके एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है? हम हाइट को कहते हैं एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम जैसे अब हमारे पास पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हम मूव करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे स्पीशीज़ की टाइप्स भी डिफरेंट हो जाती हैं और उनकी जो नंबर है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोअर एरिया से हायर एरिया की तरफ मूव करते हैं तो इसमें भी हमारे पास स्पीशीज़ के ऊपर स्पीशीज़ की टाइप्स जो हैं वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं। उसके अलावा सॉइल्स की टाइप्स पे भी वेरी करती हैं। सॉइल के टाइप में या ज़्यादा पत्थर वाली सॉइल है या फिर ज़्यादा उसके अंदर रेत का कॉन्टेंट ज़्यादा है या फिर मिट्टी उसके अंदर ज़्यादा है, तो सॉइल के टाइप्स पे भी हमारे पास डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे किस टाइप की स्पीशीज़ होंगी एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। और इसके अलावा ये कि वहाँ पे और कौन से टाइप्स की स्पीशीज़, मतलब जो और कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे लेट सपोज़ हम एक एलिफेंट की स्पीशीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो लेट सपोज़ एक जगह पे एलिफेंट की स्पीशी रह रही है और साथ में वहाँ पे एंट्स स्पीशीज़ भी हैं, ठीक है। तो एलिफेंट जब वहाँ पे एंट्स ने रहना है तो अब हम वहाँ पे जो एलिफेंट की स्पीशीज़ हैं उन दोनों के हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे उनकी वैरायटी वहाँ पे कैसे डिफ़र कर रही है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ।
ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अर्थ पे हर जगह पे हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज़म्स की वो सेम हो, वो हर रीजन के अंदर हर इलाके के अंदर डिफ़र करती हैं, एक जैसी नहीं होती। अब हमारे पास तीन रीजन्स में अगर हम डिवाइड करें अर्थ को, ट्रॉपिकल, उसके अलावा टेम्परेट और पोलर। अब ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, रिचेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। लेट सपोज़ ये हमारे पास अर्थ का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बिल्कुल जो दरमियान वाला रीजन होता है, जो अर्थ का बिल्कुल मिडल पॉइंट है, उसको हम कह देते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के जो बिल्कुल साथ वाला रीजन होगा, मतलब इक्वेटर के जो पास है बिल्कुल, उसको हम कह देते हैं ट्रॉपिकल रीजन या फिर कह देते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब एक हो गया हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन से अगर हम थोड़ा सा नीचे मूव करें या ऊपर मूव करें तो फिर हमारे पास, हम उसको कह देते हैं टेम्परेट रीजन्स, मतलब ये हमारे पास दरमियान में लाए करता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, मोतदिल होगी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस। मोतदिल मतलब वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी होगी और ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। और अगर हम बिल्कुल ऊपर चले जाएँ, जो अर्थ के पोल्स हैं हमारे पास, तो उनको हम कह देंगे पोलर रीजन्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अर्थ को अगर हम डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो हम इनको तीन में कर देते हैं, जो इक्वेटर के पास होंगे ट्रॉपिकल हो जाएंगे, इक्वेटर से थोड़ा सा और अगर नीचे आएँ तो हमारे पास हो जाएंगे वो टेम्परेट रीजन्स, और टेम्परेट से भी फिर अगर हम और नीचे अर्थ की बिल्कुल पेरिफ्रीज या किनारों पर चले जाएँ तो हम उनको कह देते हैं पोल्स, और उनको हम कह देंगे पोलर रीजन्स। अब अगर हम इनके अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिज़म की टाइप्स, उनकी वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, रिचेस्ट है। अब अगर टेम्परेट रीजन्स को देखें, ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन्स। अब टेम्परेट रीजन्स में भी हमारे पास, जाहिर है वहाँ की आबोहवा ही हमारे पास ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज़म आराम सुकून से रह सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी हमारे पास जो वैरायटी है ऑर्गेनिज़म की वो ज़्यादा होगी। और जब अगर हम बात करें पोलर रीजन्स की, जो बिल्कुल पोल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो पोलर रीजन्स में हमारे पास फ्यूअर स्पीशीज़ होती हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं और बहुत ठंड होती है, जो होता है हमारे पास टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं जो सेंटीग्रेड स्केल है वो बिल्कुल माइनस डिग्रीज़ में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कम हमारे पास स्पीशीज़ होंगी ऑर्गेनिज़म्स की। तो हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन कर लिया बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी थी क्या, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, वैरायटी है ऑर्गेनिज़म्स की विद इन एन एनवायरनमेंट। और फिर हमने उसकी देख ली कि उसकी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही थी बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या था हमारे पास, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड उसके जो अदर स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और उसके अलावा हमने उसकी देख ली डिस्ट्रीब्यूशन के, अर्थ के ऊपर जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, उनके अंदर वो कहाँ कहाँ पे कैसे प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।